नाज़रीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी में। मैं बताता चलूँ, 3 डे इंटरनेशनल सेमिनार ऑन नवाब अजीज अली शाह। आज जो है जनाब सलमान खुर्शीद साहब जो कि एक्स मिनिस्टर हैं और इस्लामिक कल्चर सेंटर से, आज इनकी सरपरस्ती में प्रोग्राम का इनका किया गया। नदीम उलहक साहब भी हैं और मैं बताता चलूँ द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी में। 3 डे इंटरनेशनल सेमिनार नवाब अजीज अली साहब पे चल रहा है। हम लोग जाएंगे अंदर की जानी, आप देखेंगे कि सेमिनार में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और क्या प्रोग्राम चल रहा है। अब चलते हैं अंदर की जानी। उसके बाद हम दोस्तों को सुनेंगे अपने मेहमान खास से। मैं ये बताता चलूँ कि उर्दू एकेडमी ने बहुत ब्रॉड काम करना चाहा था आवाजी दिशा के हवाले से, लेकिन हालात के हाजरा के पेश नज़र हमने अपने प्रोग्राम में को कटेल किया है। इसलिए जो है लॉ का प्रोग्राम था, उसके बाद जो है मजहून नवेसी का प्रोग्राम था। मजहून नवेसी में दो तरह के अनुमान दिए गए थे, एक था हुस्न अख्तर के हवाले से और दूसरा था सफर कर सकता वाजिद निशा के हवाले से। तो वाजिद निशा के हवाले से जो है जो मजामिन हवाले सामने आए उनमें ये इनाम किया गया था कि पहला इनाम 7,000 रुपये का, दूसरा इनाम 5,000 रुपये का, तीसरा इनाम 3,000 रुपये का और 5 कंसोलेशन प्राइज हम देंगे हौसला अफजाई के लिए, ताकि उन बच्चों को भी हौसला मिलना चाहिए जिन्होंने मेहनत करते हुए हम मजमून लिखे। आइए सबसे पहला इनाम जाता है मोहम्मद अजहरुद्दीन हुगली मोहसिन कॉलेज। मैं उनसे गुजारिश करूँगा तशरीफ लाए हुगली मोहसिन कॉलेज के तालिब इल्म और हमारे मेहमान खास सलमान खुर्शीद साहब के हाथों साथ इतने वसूल करें। पैसे अकाउंट में आपके जाएंगे, तमाम बच्चों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। मैं सलमान खुर्शीद साहब से उदय करने के बाद चेयरमैन साहब से मुंतविस हूँ कि अजहरुद्दीन को अपने हाथों से इनाम दें। दूसरा इनाम शाहिना परवीन काजी नजीब यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाई है। मैं इनसे गुजारिश करूँ, यासरपुर में अभी नई यूनिवर्सिटी बनी है, मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएँ और हमारे मेहमान खास जनाब सलमान खुर्शीद साहब के हाथों नदीम उलहक साहब के हाथों अपना सर्टिफिकेट अमेंडमेंट वसूल करें। पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तीसरा इनाम तलब जहां वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी 12 साल की यूनिवर्सिटी बनी है, वहां के तालबा है, उन्हें तीसरा इनाम दिया जा रहा है 3,000 रुपये का। पैसे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। अच्छा, सबरे कलकत्ता के हवाले से मजमून लिखा गया। हुगली मोहसिन कॉलेज का एक तालिबे इल्म और भी है आफाक हैदर, उसे 2,000 रुपये का कंसोलेशन प्राइज मिला है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। आफाक हैदर। एक और इनाम आलिया यूनिवर्सिटी के हिस्से में आया है इफ्तखारुल हक। इफ्तखारुल हक से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। नहीं आए, कोई बात नहीं। दूसरा दिन मजहून नवेसी का था हुस्न अख्तर के हवाले से, इसमें 2 बच्चे तशरीफ लाए हैं मोहम्मद इकबाल आलिया यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाए हैं। मैं सब गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और सलमान खुर्शीद साहब नदीम उलहक साहब के हाथों अपना सर्टिफिकेट अमेंडमेंट वसूल करें। मोहम्मद इकबाल आदिल, ये बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाए हैं, कंसोलेशन प्राइज इन्हें दिया जा रहा है। मोहम्मद इकबाल आदिल। और इसी के साथ मैं अपने मेहमान खास
मेहमान खास जनाब सनाब खुर्शीद साहब को माइक पर इजाजत देना चाहूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने ख्याल आपके इजहार करें। सनाब खुर्शीद साहब जो रात आदमी से जो इस्तकबाल किया है मोहतरम जनाब और सभी यहाँ मौजूद दानिश्वर और हम लोगों के नौजवान आने वाली कल की पीढ़ी के नौजवान बच्चों साथियों, ये मेरे लिए एक दिलचस्प तजुर्बा हुआ है कि कुछ लोगों को ये याद है कि मैं आता हूँ जलसों में तो सिर्फ चीफ गेस्ट ही बन के आता हूँ। ऐसा सही नहीं है। बहुत ऐसा भी हुआ है अक्सर के नीचे बैठा हूँ और आप लोगों को सुना है, आप लोगों की तारीफ की है, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अंदर आने की इजाज़त भी नहीं दी गई, और वो एक ऐसी बहुत बड़ी महफिल है जिसे हम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कहते हैं, तो वहाँ दरवाजे मेरे लिए बहुत दिल से बंद रहे हैं। वो नदीम साहब अंदर से खुलवा दें कभी तो मुमकिन है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। बहरहाल हम वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन उर्दू ज़बान की वकालत करने के लिए, उर्दू ज़बान की बात कहने के लिए नदीम साहब वहाँ हैं और बहुत सारे लोग हैं, और यकीनन इसकी अपनी कुव्वत उर्दू ज़बान की ऐसी है कि वो कभी कहीं किसी जगह से दूर रखी नहीं जा सकती। यहाँ आज जो मरहला है और यहाँ इस सिलसिले में हम लोग यहाँ मौजूद हैं वो वालिद अली शाह की 200 साला एक यादगार में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जब यहाँ आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था और मुझे अंदाज़ा था कि आपने पिछले 3 रोज में यहाँ क्या क्या अपनी बात कही है, तो मुझे बहादुर शाह जफर याद आ रहे थे, और वो इसलिए याद आ रहे थे कि मैं समझता था कि वो हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह थे। मैंने जब अपने प्ले लिखा था तो यही कहा था, उनसे यही कहलवाया था कि मैं हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह। लेकिन तारीख में और तफसील में जा गए और आप लोगों की जो यहाँ पर आपने यहाँ जो गुफ्तगू की है उससे एक एहसास ये हुआ कि हिंदुस्तान को आखिरी बादशाह को जिसने आखिरी बादशाह समझा था उसके बाद भी सिलसिला चलता रहा, और अगर और कहीं नहीं तो कम से कम लखनऊ से सिलसिला चला और कलकत्ते आकर पहुंचा। वो सिलसिला था हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह का, वाजिद अली शाह साहब का। और वाजिद अली शाह साहब का जो ताल्लुक, जो भी ताल्लुक उनका तहजीब व तमद्दुन से रहा, जो भी ताल्लुक उनका, जो भी पोइट्री के साथ ताल्लुक रहा उनका, तो उससे मुझे अंदाजा ये हुआ कि आखिरी बादशाह बेचारा पोइट्री करते हुए ही आखिरी बन जाता है। पहले बहादुर शाह जफर पोइट्री करते हुए वही आखिरी बादशाह बन गए, और यहाँ फिर आए तो हम वाजिद अली शाह साहब के जिंदगी में भी देखा कि वो आखिरी बादशाह। लेकिन वाजिद अली शाह में और भी बातें थी जो जिसमें मुझे दिलचस्पी रही है, और यकीनन आप लोग की रिसर्च में मैं थोड़ी सी और तवज्जो दूंगा। और उनको जानवरों का भी शौक था, परिंदों का भी शौक था, मुझे भी जानवरों परिंदों का शौक है, और इसलिए ये भी दिलचस्पी हुई कि एक पोएट ना होके भी जानवरों और परिंदों में अगर शौक हो तो कहीं ना कहीं क्या पोएट्री सीख जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी आ जाएगा जो वाजिद अली शाह साहब ने आप लोगों को यहाँ कलकत्ते में आप लोगों को दिखाया और आप लोगों को बताया और आप लोगों को सुनाया। लेकिन एक सवाल आता है कि उनकी जिंदगी का मकसद जो भी था, लेकिन उसकी अहमियत आज हमारी जिंदगी में क्या है, रिचनेस हमारी जिंदगी में और सेलिब्रेशन ऑफ आर्ट हमारी जिंदगी में कितना बचा है। सेलिब्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, और मुझे अंदाजा है कि कुछ लोगों को सियासी लोगों से थोड़ा सा तकल्लुफ है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर सियासी लोगों में भी थोड़ी सी ये दिलचस्पी बनी रहे कि हम किस तरह से सियासत को बहुत सुखा देते हैं, सियासत को बहुत बहुत संकीर्ण कर देते हैं,
और अगर उसमें कहीं तहजीब और तमद्दुन का कहीं पर थोड़ा सा छिड़काव भी हो जाए तो यकीनन हमारी कौमी जिंदगी में एक नई कुवत आ जाएगी, कौमी जिंदगी में एक नया ढंग आ जाएगा। और लेकिन अब बताया ये जाता है कि बेचारा शायर करे तो क्या करे, किस तरह से पेट भरे और किस तरह से खानदान पाले, और फिर वो सारी बात गालिब की याद आ जाती है कि वो बेचारे लोगों से अपने लिए स्कॉलरशिप्स मांगते फिरते थे और किस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजारते होंगे। और फिर जब तफसील देखी, ताजुद अली शाह साहब की तफसील देखी उनकी जिंदगी के, तो पता लगा जहाँ एक तरफ उनकी जिंदगी में जिंदगी को शेयर करने में बहुत खवातीन का हाथ था, और जब भी पैसे की तंगी आई और कमी आई तो किसी ना किसी ने उनसे कहा कि आप डिवोर्स कर दीजिए, तलाक दे दीजिए, इसमें से 30-35 कम हो जाएंगी, अगर आप तलाक दे देंगे तो कम से कम आपका खर्चा कम हो जाएगा। तो ये अंदाजा ये हुआ कि शादी करने में खर्चा बढ़ जाता है, और ये हमारे हिस्ट्री ने ये बताया है, हमारी तारीख ने ये बताया है कि कम शादियां करो तो खर्चा कम होता है। चलिए ये भी एक अच्छी बात है, ये भी एक चीज है जो समझ में आती है। लेकिन सच्चाई है कि आज जिस तरह से हमारी कौमी जिंदगी में हमको जिन बातों की शिकायत है, तो एक शिकायत हमको ये भी होनी चाहिए कि जो तवज्जो हमें तहजीब तमद्दुन को देना चाहिए वो हमने तहजीब तमद्दुन में दिलचस्पी नहीं ली। और अगर तहजीब तमद्दुन में दिलचस्पी हो तो सब कुछ छिन जाए, सब कुछ है छिन जाए, राजपाट छिन जाए, आदमी तब भी जिंदा रहता है, और उसकी वो जिंदगी हजारों और को जिंदा कर देती है। और आज खुशी इस बात की है कि 200 साल बाद भी हम उसी को लेकर जिंदा हैं। आप अगर ये कहें कि आज आप वाजिद अली शाह की याद में जिंदा हैं और वाजिद अली शाह ने आपको एक नई जिंदगी दी है, तो यकीनन वो बात जो है वो एक हकीकत होगी। और उस हकीकत को यहाँ इतनी लंबी तफसील तीन दिन की ये इस मीटिंग के बाद भी, इस गुफ्तगु के बाद भी यहाँ आप लोग सब मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है। इससे बेहतर अकीदत और क्या हम पेश कर सकते हैं, और इससे बेहतर हम उनको उनकी याद में और क्या कर सकते हैं, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। आपने यहाँ पर नीचे एक उनका वाजिद अली शाह साहब का बस्त बनाया है, और यकीनन वो लोग जो उनके खानवादे से हैं, उनका उनसे कोई ताल्लुक है, वो दिल ये चाहता है कि कभी यहाँ अपने हमारी बहन यहाँ मौजूद हैं जो अक्सर लोगों को मदु करती हैं दिल्ली में, कामना प्रसाद जी, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि एक बहुत अच्छा और दिलचस्प एक पहलू समझ में आया कि कभी बहादुर शाह जफर को और वाजिद अली शाह को एक जगह मिला दिया जाए, कभी दिल्ली और लखनऊ को एक जगह मिला दिया जाए, और फिर अगर कहीं कुछ कमी दिखे तो उसमें कलकत्ता और जोड़ दिया जाए, और फिर देखिए आने वाले, क्योंकि यहाँ सवाल कुछ ये हो रहा था कि आगे क्या करना है मुझे, तो मैंने कहा कि आगे यही कर लें कि दिल्ली और लखनऊ को जोड़ दें, और उसी के साथ वाजिद अली शाह और बहादुर शाह को जोड़ दें, तो यकीनन एक बहुत बेहतर चीज होगी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका एक ही जलसा हो, एक जलसा कलकत्ते में हो, एक लखनऊ में हो, एक दिल्ली में हो, और मैं ये समझता हूँ कि अंग्रेजों को तो झेल लिया था वाजिद अली शाह ने, अब नए अंग्रेज जो हैं उनको हम झेल लें, और बिल्कुल खा सकते हैं। बस आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छा इजलास किया है ये, और आपकी ये यहाँ की शिरकत आप सभी की मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी आने का मौका मिलेगा। शायद जैसे हमारे दोस्त अतर फारूकी साहब ने कहा, शायद एक दफा कलकत्ते में इरादा था हमारा प्ले लाने का, लेकिन प्ले यहाँ तक पहुँच नहीं पाया, तो हर एक जो लखनऊ से चलता है वो कलकत्ते पहुंच नहीं पाता, और हर एक जो दिल्ली से चलता है वो कलकत्ते पहुंच नहीं पाता। लेकिन अब जब हम कलकत्ते आ ही गए हैं तो आपसे वायदा है कि आपको बहादुर शाह की जिंदगी पर वो प्ले हम दिखाएंगे, और ये मेरा एक और रिश्ता बन जाता है वाजिद अली शाह से कि वो भी थिएटर किया करते थे और हम भी थोड़ा सा थिएटर करते हैं,
लेकिन सुनते हैं कि उनका प्ले 30-30 दिन तक चलता था। मैं सिर्फ 3 घंटे आपसे चाहूंगा और 3 घंटे में आपको जो भी कहना है मैं कह दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमान खुर्शीद साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे माइक पे, तो मुझे शेर याद आ रहा था कि लबों पे लेके तपस हमारे सोच के जीने से कौन मुस्कुरा है। और ये शेर जो है शकर साहब कि मैंने भी देख ली थी हर के अभी वो भी तस्वीर से निकल आया। तो देखिए मैंने इन कहना किरदार किसी को कहते हैं जो लोग इंसान होते हैं जिनके अंदर जो है इल्म होता है वो बहुत ही कम गुफ्तगू करते हैं, मालूमाती गुफ्तगू करते हैं, बल्कि ये कहा जाए कि उनकी गुफ्तगू में दरिया जैसी रवानी थी, बुतों जैसा हुस्न था, शराब जैसी मस्ती थी और हम लोग महसूस हो रहे थे। यही खामोश हो गया अब आइए अगर हम लोग गुफ्तगु सुनते हैं उनके गरीब जमा चेयरमैन जनाब नदीम उल हक साहब से, जिन्होंने गालिब की जबान में लेकिन अल्लाह की मर्जी यही थी क्या कम कामयाबी है कि आप तमाम लोग अब तक यहाँ बैठे हुए हैं। नदीम साहब का सवाल कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। स्टेज पर बैठे हुए आज के मेहमान खुसूसी जनाब सलमान खुर्शीद साहब दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, हमारे अतर फारूकी साहब, प्रोफेसर अनीस अशफाक साहब, हमारे जनाब रोशन तकी साहब और बहुत दूर से जिसको बोलते हैं कि 7 समुंदर पार करके आए हैं, हमारे प्रोफेसर सोमन बंदोपाध्याय साहब। और असल में मैंने शुरू में कहा था कि ये कीड़ा जो नवाब वाजिद अली शाह पर जो प्रोग्राम किया जाए ये उनके जहन का कीड़ा है और कहीं ना कहीं हम भी उससे इन्फेक्ट हो गए। हमारे मैडम पूर्वा चटर्जी साहबा यहाँ पर उन्होंने बहुत जोर की उन्होंने दलील रखी कि नवाब लखनऊ में पैदा तो हुए होंगे लेकिन कलकत्ता ने उन्हें रख लिया और हम लोग छोड़ने वाले नहीं। खैर ये प्रोग्राम 3 रोजा प्रोग्राम आज इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत बड़ा प्रोग्राम था और ये वाकई एक जश्न मनाने वाले थे हम लोग नवाब वाजिद अली शाह के साथ के नाम पर, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रोग्राम थे लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए, सियासी हालात और दीगर हालात, कि इस प्रोग्राम को हम लोग को कर्टेल करना हुआ और सिर्फ सेमिनार तक और बच्चों के कुछ प्रोग्राम तक इसको महदूद करना हुआ। लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए और जैसे वो कहते हैं, आप कभी कभी प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, तो पिक्चर अभी बाकी है और जितने सारे प्रोग्राम 13-14 प्रोग्राम थे उनको हम लोग दर्जा बदर्जा करते जाएंगे आइंदा महीनों में, आइंदा 6 माह में, आइंदा साल के अंदर। इसको ना कहें ये जो 200 इयर्स ऑफ नवाब वाजिद अली शाह है इसको शायन शान से हम लोग मनाएंगे, लेकिन हो सकता है एक साथ नहीं हो लेकिन दर्जा बदर्जा मनाएंगे और आप लोग सबको उसमें आना होगा, उसमें हिस्सा लेना होगा। एक प्रोग्राम जो आज सवेरे के लिए था जो कैंसिल हो गया वो एक हेरिटेज वॉक था जो हम लोग मटिया ब्रुज में करने वाले थे और CSC से शुरू होकर करके वो जाकर के सिप्तैनाबाद इमामबाड़ा में जहां पर नवाब का मकबरा है वहां तक जाकर के वो वॉक खत्म होता है। तो इसको भी अगर मौका मिला तो इसको भी दोहराएंगे हम लोग। लेकिन इस दरमियान बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो शायद नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे तो कभी गए नहीं होंगे इस सिप्तैनाबाद इमामबाड़े में जहां वाजिद अली शाह का मकबरा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे अपील करता हूं कि वहां से आप अपनी क्या बोलूं उस जगह को जाकर आप पहचान लीजिए कि जहां हमारे बुजुर्ग
नेटिव है। अच्छा होगा, हमारे इरफान भाई हैं, कामरान भाई हैं, कुछ बोलिएगा तो जो हमारे स्कूली बच्चे हैं और बच्चियां जब जो कॉलेज से आई हुई हैं, आप लोग के लिए ज्यादा जरूरी है कि आप उस जगहों से वाकिफ हो जाए जो तारीखी ऐसी जगह है, जा करके एक बार विजिट कीजिए। उसी बिचारी घाट पर उनका जो कश्ती थी वही उतरी थी, वहीं से वो उस जगह को सुल्तान खाना उस जगह को उन्होंने आबाद किया था। आज नहीं है लेकिन आज भी उनका मकबरा कम से कम है, उसको तो कम से कम विजिट कीजिए। और जो हमारे दिल्ली और दीगर जगह से मेहमान सब आए हुए हैं, हम लोग ये भी कोशिश करें कि आइंदा प्रोग्राम में कभी आपको हम लोग इन्वॉल्व करें तो वहां का एक विजिट रखें कि उनके मकबरे पर जाकर कम से कम उनको हम लोग सलाम करके आए। हमारे सलमान साहब कह रहे थे कि संस और बाबर के बारे में कि बहादुर शाह जफर के ऊपर जो इनका ड्रामा है, तो हमसे उनसे गुफ्तगू हुई है और उर्दू एकेडमी अपने अगले ड्रामा फेस्टिवल में इस ड्रामा को जरूर खेलेगी, उनको इनवाइट करेगी और हम लोग सब उससे महजूज होंगे। उन्होंने कहा कि कोई सूरत निकालना चाहिए कि नवाब वाजिद अली शाह और बहादुर शाह जफर के मुलाकात की सूरत, तो उनको कहते सिर्फ इतना मुझे मालूम नहीं मुलाकात हुई है कि नहीं, लेकिन जब नवाब 1856 में वो कलकत्ता आ गए थे और मटिया बुर्ज में आबाद थे जो हुगली के किनारे है, और बहादुर शाह जफर को जब यहां से वतन से भेजा गया एग्जाइल में, तो वो इसी रास्ते से होते हुए रंगून गए थे, तो यकीनन नवाब के यहां तो हलचल हो ही होगी कि ये उनका जहाज जा रहा है, कि यहां से बहादुर शाह को ताजदार को भेजा जा रहा है रंगून। तो अगर कहीं पर उसको हम लोग, आप तो ड्रामा के माहिर, इसको कहीं ड्रामा में आप पेश कर दें तो और अच्छा होगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर देखे कि वो वहां पर नवाब वाजिद अली शाह है और वाजिद अली शाह देखे कि इनका कारवां यहां से गुजर रहा है। तो खैर ख्याली होगा, तारीखी कुछ ऐसा नहीं है लेकिन ख्याली ही सही, कम से कम हमारे सामने तो आए, इस दोनों शख्सियत मिले। तो हमारे प्रोफेसर सोमेन बंदोपाध्याय का एक ख्वाब है और उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम भी हम लोग इतने बड़े पैमाने पर सोचे थे कि एक डिजिटल अंदाज में उनकी जो विरासत है उसको हम लोग कैद कर ले और छोटा लखनऊ को हम लोग एक डिजिटली उसको प्रेजेंट करें, उसको महफूज कर लें। तो हम लोग एकेडमी से आपको वादा करते हैं कि आप ये प्रपोजल भेजिए, हम लोग उसको कंसिडर करेंगे और जहां पर मुमकिन होगा इसके ताबून करेंगे। कैसे कर सकते नहीं कर सकते तो प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ ने कल कहा कि एक टास्क फोर्स बनाइए जिसमें नवाब वाजिद अली शाह की जो किताबें हैं जैसे कि इकनामा खास करके, उसका अंग्रेजी और बंगला तर्जुमा कीजिए। तो हम लोग उस वक्त ही हम लोग ने फैसला ले लिया कि प्रोफेसर सुरंजन दास जो वाइस चांसलर आज के दिन में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के भी रह चुके हैं और जादवपुर यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं और मौजूदा आईडब्ल्यूएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनके उनके लीडरशिप में, उनके चेयरमैनशिप में ये टास्क फोर्स मैडम नुजहत जायद साहिबा के साथ हम लोग ये इसको करेंगे कि वो उनकी किताबों का तर्जुमा और उनकी किताबों को और आम कैसे किया जाए, इस पर ये लोग तवज्जो देंगे। और खास करके कि जब उनको हटाया गया था उनके तख्त से, तो उन्होंने एक रिप्लाई लिखा था, रिप्लाई ऑफ वाजिद अली शाह, क्यों उनको गलत तरीके से हटाया गया है जो तारीख में गुम हो गया। उन्होंने कहा इंडिया ऑफिस में ये महफूज है तो उसको भी निकाल कर उजागर किया जाए कि उनका उस वक्त का जवाब क्या था। हम लोग के सामने तो आना चाहिए कि कहते हैं कि हिस्ट्री इज ऑलवेज ऑफ द विक्टर्स, लेकिन यहाँ विक्टिम का भी एक पहलू कहीं पर है मौजूद, तो उसको हम लोग को उजागर करके सामने लेके आना चाहिए। हमारे मैं कह रहा था कि भाई सलमान खुर्शीद साहब बहुत सारी बातें कह रहे थे, मुझे एक सीन याद आ गया जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और वहां पर उर्दू आपके हवाले थी, तो एक तरफ से ये शेर पढ़ते थे और उधर से मुख्तार अब्बास नकवी वहां से जवाब देते थे। ऐसा लग रहा था पार्लियामेंट में नहीं थे, कहीं मुशायरा में हम लोग थे। उनका शेर सही नहीं होता होगा। गालिब और दूसरे बड़े शायर का शायर पढ़ रहे थे, तो खैर एनीवे तो मुझे वो सीन याद आ गया कि भाई कि हाँ ऐसा भी हुआ है। मैं आखिर में बस इतना कहूंगा कि उर्दू एकेडमी के जितने
स्टाफ है, उर्दू एकेडमी के जितने मेंबरान हैं, जनरल काउंसिल के और गवर्निंग और उर्दू एकेडमी के जितने जनरल काउंसिल और गवर्निंग बॉडी के मेंबरान हैं, जितने स्टाफ हैं और जो दीगर लोग हैं, हमारी सेक्रेटरी साहिबा हैं, प्रोफेसर दबीर अहमद है और जो सब इन्वॉल्व रहे हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके मेहनत, आपकी काविश के बिना ये प्रोग्राम इस पैमाने पर, इस महज पर नहीं पहुंच सकता। और बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग इसके लिए यहाँ पर हो सकते हैं। लास्ट में मैं अपनी चेयरपर्सन, उर्दू एकेडमी के जो चेयरपर्सन, मैं तो सिर्फ वाइस चेयरमैन हूँ, जो चेयरपर्सन है वो है मोहतरमा ममता बनर्जी, तो उनका शुक्रिया अदा किए हुए हम लोग नहीं खत्म कर सकते और मैं नहीं छोड़ सकता कि पिछले साल का जो 15 करोड़ का बजट था उर्दू एकेडमी का, इस साल उन्होंने शायद कुछ देखा होगा आप लोग की भीड़ देख कर करके, या आप लोग की जो क्या बोलते पसंद देख कर करके, उन्होंने इस साल ये बजट को इजाफा करके 18 करोड़ कर दिया। में एक सिर्फ एक बात कहते हुए जो प्रोफेसर दबीर साहब ने दिखाया कि हम लोग के सजेशन से, हम लोग के सुझाव से विक्टोरिया मेमोरियल ने भी वाजिद अली शाह पर एक एग्जीबिशन उन्होंने 30 तारीख को शुरू किया, जो उनके पास वाजिद अली शाह के वक्त के और उनके जो एग्जीबिट है उस पर उन्होंने एक एग्जीबिशन शुरू किया है, और आइंदा 27 अक्टूबर को उन पर एक दास्तान गोई का भी प्रोग्राम वहां पर वो करेंगे एकेडमी में, उनको उनको जो हम लोग एकेडमी के फाउंडेशन डे में, हम लोग जो वाजपेयी साहब को जो इसी प्रोग्राम में आने वाले थे उनको, जी हिमांशु वाजपेयी, उनको हम लोग यहाँ बुलाकर जो उनकी दास्तान गोई वाजिद अली शाह उन्होंने जो तैयार किया है उसको यहाँ पर हम लोग आपके सामने हाजिर करेंगे जी। हाँ, और वो एकेडमी का फाउंडेशन डे भी रहेगा 27 अक्टूबर। आखिर में बस इतना कहूंगा आपसे इजाजत लेने से पहले कि नीचे में हम लोग के ग्राउंड फ्लोर पर वाजिद अली शाह का छोटा सा एक बस्ट हम लोग बना के रखे हैं, उसको सेल्फी पॉइंट के हिसाब से, तो जो जो जाए इस सेमिनार को, आज के दिन को याद रखने के लिए, अपनी अपनी एक सेल्फी वहां पर जरूर ले लीजिएगा वाजिद अली शाह के बस्ट के साथ, ताकि ये हमेशा आपके जहन में होने महसूस रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान खुर्शीद साहब, नजीम हक साहब, सशवाब साहब, प्रोफेसर सौमिन बंदोपाध्याय, पूर्व चैटर्जी साहब, अथानी फारूकी, रोशन रफी साहब और हमारे तमाम सामयिक नाग जो हैं, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। हम लोग पिछले 2.5 दिनों से मुसलसल आर्टिकल सुन रहे हैं, लोगों के मकाले सुन रहे हैं, स्पीचेस सुन रहे हैं, और हम लोग इस ये जो हमारा थीम था वाजिद अली शाह को सेलिब्रेट करने का, उसमें हम कामयाब हो पाए। आप लोगों की मौजूदगी इसकी बदमाश है। आप लोगों तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। आप लोग आए, अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ रहे, और ये जो हमारी एक कोशिश थी कि हम वाजिद अली शाह को सेलिब्रेट करें और साथ में जो हम लोग बहुत बहुत ही शानदार तरीके से कर पाए, जो कल भी कुछ लेक्चर्स में हम भी बैठ पाए थे, लेकिन सेशंस में जो आया कि हम लोग, हमारी जो कोशिश है कि उर्दू और नॉन उर्दू इन बंगाल में, वेस्ट बंगाल में उर्दू और नॉन उर्दू हम लोग जिस तरह से को एग्जिस्ट करते हैं, वो एक तस्वीर हम लोग यहाँ पे ला पाए, हम तमाम लोग यहाँ शामिल हो पाए। वाजिद अली शाह से ज्यादा हम लोगों ने इस बार वेस्ट बंगाल को सेलिब्रेट किया है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अरे बाप रे,
समझ सके कि हमारी जो हमारी हिस्ट्री है वो कितनी उमदा है, कितनी रिच है, कितनी कितनी दूरंदेशी की हमारी हिस्ट्री है, वो उसको समझ सकें और इससे हमारा जो नेशनल यूनिटी है वो और मजबूत होगी। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेशनल यूनिटी के लिए। नदीमुल हक साहब की सरपरस्ती में इस तरह का एकदम कितना नदीमुल हक कारगर साबित, जो नदीमुल हक साहब काम कर रहे हैं सिर्फ ये बहुत अहम ये नशिस्त नहीं बल्कि इसके अलावा भी जो वो तर्जुमे का काम करवा रहे हैं, जो बच्चों को जबान से वाबस्ता कराने के लिए, जो लोगों को सर्विसेज की के लिए तैयारी करने में और वक्तन वो स्कॉलर्स को बुला के एक जगह बैठा रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम है, बहुत उमदा काम है। और ये सूबा जो है, और सूबा क्या हमारा पूरा मुल्क जो है वो बड़ा लकी है कि ऐसा शख्स और ऐसे इदारे को वो शख्स चला रहा है। मैं समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है। मगरबी अकेडमी में देखा गया कि हर वक्त वक्त पे कुछ ना कुछ उर्दू अदब से जुड़ी हुई चीज़ों को जो है हमेशा करते रहते हैं। उर्दू अदब नहीं सिर्फ, ये उर्दू अदब ही नहीं है सिर्फ, ये हिंदुस्तान के किरदार से एक जुड़ा हुआ पहलू है, जो हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म का जो भी बुनियाद है वो वही बुनियाद है जिसको हमें यहाँ उर्दू अकेडमी में देखने को मिलता है। और मैं इसके लिए यहाँ के सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ जो लोग इंचार्ज हैं और जो इसकी बका के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। उर्दू को फ़रोग देने के लिए मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी को और क्या कदम उठानी चाहिए जिससे उर्दू को फ़रोग? देखिए मैं उनसे बेहतर वो नहीं काम समझता हूँ, जानता हूँ जो वो कर रहे हैं। ये वो हमसे कह सकते हैं कि आप लोग हमारी गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से इस चीज़ की मांग करिए कि हमको और ये मौका मिले, वो हमको बता सकते हैं क्योंकि उनको तजुर्बा है, वो ज़मीन से जुड़े हैं और वो हर लोगों के यहाँ तासुरात से वाकिफ हैं, तो वो हमको बताएं तो हम यकीनन उनकी मदद के लिए जो भी मुमकिन है वो करेंगे। खुर्शीद साहब, आरजी कर मामले में जिस तरह से मामलात हुए हैं किस नज़रिए से आप देखते हैं? जब भी इंसानियत के साथ ऐसा कुछ होता है तो उस पर इल्ज़ाम लगाने किसी पर अलग की बात है, लेकिन यकीनन दुख होता है इंसान को, जिसका भी इंसानियत से ताल्लुक है उसको दुख होता है, उसको इस बात का गम है कि इंसानियत के साथ ये सलूक हो रहा है। अब जो लोग इंतजामिया में हैं, जो लोग किसी ओहदे पर हैं, उनकी जिम्मेदारियां वो लोग खुद समझते हैं, उस पर यकीनन जो होना चाहिए और जो करना चाहिए वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई जो रियासत हैं वहाँ पे तो दबाव नहीं डालते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन खासकर मगरबी बंगाल में इस तरह का दबाव डाल प्रहार कर रहे हैं। बदनसीबी है ये देखकर कि किसका परचम है, ये देखकर कि किसकी हुकूमत है, हम इंसानियत के साथ जो सलूक हुआ है उसके फैसले करेंगे, तो ये हमारी बदनसीबी, हमारे मुल्क की बदनसीबी। समाता आप एक इम्पोर्टेंट सवाल सर, सेंट्रल लेवल पे जो माइनॉरिटी के जो बहुत सारे जो स्कॉलरशिप वगैरह खत्म किए जा रहे हैं, दबाया जा रहा है, इसके लिए सर अपोजिशन कुछ कदम उठाएंगे सर? आने वाले कर रही है अपोजिशन, पार्लियामेंट में भी कर रही है, पार्लियामेंट से बाहर भी कर रही है, लेकिन ये सिर्फ अपोजिशन का काम नहीं है, ये आवाम का काम है। आवाम को इस बात का एहसास हो रहा है और आवाम ने पिछले इलेक्शन में बता दिया कि उसकी राय क्या है इनके बारे में, आने वाले जो इलेक्शन से उसमें भी यकीनन आवाम की राय पता चल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नाज़रीन आप देख रहे थे सलमान खुर्शीद साहब जो कि शहर कोलकाता में विजिट है 3 रोज़ा इंटरनेशनल प्रोग्राम में, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें की उर्दू अदब को लेकर, उर्दू अकेडमी काम को सराहा। पलपल के अपडेट्स के लिए बने रहिए लोकल न्यूज़ के साथ। इसी तरह भी और भी सारे लोगों से बात करूंगा जब हमारे मेहमान आए हुए हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से आज मगरबी बंगला उर्दू अकेडमी का 3 रोजा जो प्रोग्राम है वो आज नहीं, सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रोग्राम बड़ा कामयाबी हुआ और हॉल में खचा भीड़ देख के इस बात का सबूत मिल गया कि कितने लोग इस तरह के इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम में दिलचस्पी रखते हैं। बंगाल तो आखिर बंगाली है और जितने भी VIPs या जितने लोग भी बाहर से बुलाए थे सब लोग 100% सब लोग आए। बड़े खुश की बात है कि उर्दू अकेडमी का हमेशा आरोप लगता रहता है कि उर्दू अदब से कम एंटरटेनमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है उर्दू अकेडमी। अब इल्जाम तो कुछ भी लगाइए, कुछ जानते भी चलो क्या है ना, तो सोशल मीडिया कुछ लिख दिए, कोई जवाब दे ही नहीं। सामने आए तो बात करें, सामने आके हमसे बात कीजिए कि क्या हो रहा है तो हम बताएं। और उर्दू अकेडमी सिर्फ अदब के लिए ही नहीं, एजुकेशन के लिए कितना काम कर रहा है। आप देखें आज स्कॉलरशिप जो दी है वो ग्रांट कैसा क्या, ये मकसद सही जगह है कि नहीं, ये पैसा किन लोगों को दिया जा रहा, कहाँ इंक्रीमेंट हो रहा, बुक ग्रांट दिया जा रहा 30 लाख रुपए का बुक ग्रांट किया, किन लोगों को गया। 3 रोजा प्रोग्राम का जिस तरह से देखा गया कि जो चीफ गेस्ट है सलमान साहब है और फिर उसके बाद फिलहाल अकीम साहब है, उनको जो है पहले से आवाम को कोई खबर नहीं है, क्या कहेंगे इस पर। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कहीं आप लोगों का मिसिंग हो रहा है। ये पिछले 3 हफ्ते से उर्दू डेली में कहीं ना कहीं आ ही रहा है कि क्या प्रोग्राम है और ये फिक्स प्रोग्राम, इसमें कोई बल्कि हम लोगों ने कर्टेल किया, कुछ प्रोग्राम को काटा है, कुछ इजाफा नहीं किया। प्रिंट मीडिया में तो आ रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया में कोई सोशल कोई खबर नहीं है, हालांकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का कम है। सोशल मीडिया पे भी है, क्या हो गया था आपको भी मालूम है कि जब प्रोग्राम कट हो गया, कर्टेल हो गया, कुछ माहौल ऐसा बन गया तो थोड़ा सा हम लोग पब्लिसिटी ज्यादा नहीं करना चाह रहे थे, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे कि ये सेलिब्रेशन नहीं है, पहले ये सेलिब्रेशन था, अब ये देखिएगा बदल गया, वी आर नॉट सेलिब्रेट, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बयान कर दिया गया तो एक प्रोग्राम को एक अटकल दे दिया गया। पोस्टपोन नहीं किया, कम किया, देखिए पहले प्रोग्राम था, कुछ एक वॉक था, एक हेरिटेज वॉक था, क्या वजूहत थे इसे नहीं किया गया। देखिए ऐसा है कि थोड़ा सेंसिटिव वाली बात हो रही है यहाँ पर, कितना ये मामला तो है ही है, इस पर हम जब ज्यादा तफसील से नहीं जाना चाहते हैं, आपको भी मालूम, हम लोग सबको भी मालूम, जी हाँ यही मामला है और सब क्योंकि हम लोग प्रोग्राम बहुत दिन से फिक्स है। तो सब क्या कुछ इस प्रोग्राम को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था, 2-3 महीने के बाद ऐसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे जो कंसर्ट है, बहुत सारे जो प्रोग्राम है वो जो है पोस्टपोन कर दिया। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मौका मिल गया बताने के लिए कि हम लोग जो प्रोग्राम पोस्टपोन कर सकते थे वो कर दिया, मतलब कुछ ऐसे जैसे कि अब हमारे प्रोफेसर जो आ चुके थे उनकी टिकटें चली गई थी, रूम बुक हो गए थे, वो पहुंच गए थे और कुछ कुछ बच्चों का जो प्रोग्राम था वो उनके लिए एक डिस्करेजमेंट भी हो जाता, तो हम लोगों ने मीटिंग चली, मैराथन मीटिंग चली 2 दिन की कमेटी की और सब ने मैंने ये राय लिया कि ये जो कैंपस अगर एकेडमी के अंदर जो हो रहा है वो कर लेते हैं और सेलिब्रेशन नहीं करते, एक एकेडमिक प्रोग्राम दे देते हैं, तो वही आप देखिए तो आप लोगों का भी बहुत इसमें ऑपरेशन रहा इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जेंट्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट और नाजरीन जैसा कि आप देख रहे हैं द लोकल जेंट्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, मेरे पीछे जानी मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी महकमा अकलियती अमूर मदरसा तालीम हुकूमत मगरबी बंगाल सहरोजा बैन अलाकवामी सेमिनार मौजू नवाब वाजिद अली शाह। तो आज आपने देखा सलमान खुर्शीद साहब आए हुए थे, एक्स मिनिस्टर और इनके साथ ही तमाम सतह के इंटरनेशनल सतह के मेहमान आए हुए थे। पलपल की अपडेट्स के लिए आप बने रहते लोकल न्यूज़ का, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं शमशुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।